हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में मैं आपके साथ स्लीव्स डिज़ाइन शेयर कर रही हूं। तो ये देखिएगा, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और इस तरीके से मैं इसे देखिए चार फोल्ड में रखी हूं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से नीचे से सीधा कर लेना है। तो कपड़े को नीचे से सीधा करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे स्लीव्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगा। और यहाँ से देखिए मैं इसे कट कर ले रही हूँ, तो अच्छे से कट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ से देखिए इसकी लेंथ रखनी है। तो स्लीव्स की लेंथ में 9 इंच रख रही हूँ। तो जितना भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। यहाँ पे मैं तैयार लेंथ 8 इंच रखना है, तो 1 इंच मैं यहाँ प्लस करते हुए 9 इंच पे रखा है। और इस तरीके से हमें इसकी चौड़ाई भी देखिए 9 इंच रखनी है। और 9 इंच पे मैं यहाँ से इसकी मार्किंग कर ली हूँ। और यहाँ से हमें देखिए सबसे पहले ऊपर की ओर से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 3 इंच का डाउन रखना है। और 1.5 इंच इस जगह से आप यहाँ पे मार्जिन को मार्किंग कर लें। और इस तरीके से हमें स्लीव्स की देखिए यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। और नीचे से हमें 6 इंच इसकी यहाँ से चौड़ाई रखनी है। 1.5 इंच मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन को लिया है और इस तरीके से मार्क को मिला लेना है। और यहाँ से अब हम कट कर लेंगे। तो स्लीव्स का मेजरमेंट आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही रखिएगा और आप इस डिज़ाइन को किसी भी साइज पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमें डिज़ाइन को मार्किंग करना है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन को सबसे पहले यहाँ पे अस्तर पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिएगा डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। और उसके बाद ये देखिए हमारा हो चुका है। और अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सबसे पहले अटैच करना है। तो 1/2 इंच हमें यहाँ से देखिए नीचे से सिलाई मार्जिन को रखते हुए अस्तर को हम अटैच कर लेंगे। अच्छे तरीके से अटैच हो जाने के बाद अब हमें देखिए एक फिनिशिंग की सिलाई देनी है अस्तर पर। तो बिल्कुल ये हमारा कॉर्नर का सिलाई रहेगा और इसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें अस्तर को अंदर की ओर फोल्ड करके रखना है। और यहाँ से अब हम इसे देखिए कॉर्नर की एक सिलाई से इसे अटैच कर लेंगे। तो अच्छे से आप पहले हाथ से सेट कर लें या फिर आप पिन से पहले अटैच कर लें, उसके बाद आप इसे सिलाई से अटैच करें। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। और अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से हमें इसको बराबर कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। और अब हम यहाँ से देखिए जो मैंने अस्तर पर डिजाइन को तैयार किया था, अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे रखना है। तो मेन फैब्रिक पे हम मैंने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया है और अब हम इसे लेस से डेकोरेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का आप लेस का इस्तेमाल करें। और यहाँ से अब हमें देखिए इसे अटैच करते जाना है। तो जितनी भी हमारी मार्किंग है इसको देखिए इस तरीके से हमें सेट करना है। और अच्छे तरीके से आप देखिए यहाँ पे इसको शेप में देते जाएं और उसके बाद आप इसे सिलाई से अटैच करें। तो ये डिजाइन बनकर बहुत ही अच्छा और सुंदर सा आया है और ज़्यादा समय इसमें आपको नहीं लगेगा, बहुत ही इजीली ये बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरीके से आप यह बहुत ही डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं इजीली से। तो ये देखिए हमको इसी तरीके से पूरे पे ही कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमें देखिए यहाँ पे घुमाते हुए यहाँ पे लेस को सेट करना है। उसके बाद आप फिर एक सिलाई से इसे अटैच करें। ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पे सेट करना है।
बिल्कुल आपका यहाँ से बाहर की ओर नहीं जाना चाहिए। और इस तरीके से हमें देखिए सभी में यहाँ एकदम सेप में हम अटैच कर चुके हैं। और इस तरीके से यह डिज़ाइन बनकर हमारा तैयार हो गया है। और इसके हमें बीच से बिल्कुल एक देखिए मोती को अटैच करेंगे, जिससे स्लीव्स की डिज़ाइन और भी बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी। तो यहाँ से हमें बिल्कुल सेम इस तरीके से देखिए यहाँ से घुमा लेना है, अच्छे तरीके से घुमा लेंगे। और अब हम यहाँ से देखिए इसको बाहर की ओर घुमाते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लेस है यहाँ से कट करके हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। और अब हम इसके बीच से बिल्कुल एक मोती का अटैच करेंगे। तो मोती यहाँ पे मैं बड़े साइज़ की रख रही हूँ, आप चाहे तो मीडियम साइज़ की मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, तो लेस हमारा गोल्डन कलर है और मैं यहाँ पे मोती वाइट कलर की यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही इसका लुक अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप मोती को अटैच कर लें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ चैनल पर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।